लॉकडाउन्स का पर्पस होता है कि हम अपनी हेल्थ केयर कैपेसिटी को बढ़ाएं और ट्रांसमिशन रेट को थोड़ा कम करें, थोड़ा फ्लैटन द कर्व करें, ताकि हम लोग तैयार हैं इफ एंड व्हेन द सर्ज हैपेंस। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहती हूँ, क्या हम तैयार हैं, क्या हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज रेडी हैं 30 दिन के बाद? काश हम तैयार होते। कोशिश जारी है, कोशिश में काफ़ी ज़ोर लगा रहे हैं, सभी तरह से कोऑपरेशन है सरकार की तरफ से, हमारे सर्विस सिस्टम की तरफ से, अस्पतालों की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से, लेकिन हर कोशिश की एक सीमा होती है और वो सीमा पार करने के लिए उसके लिए अलग तैयारी होती है, सीमा तक पहुंचने के लिए तैयारी अलग होती है और सीमा के दायरे में रहने के लिए तो तैयारी की ज़रूरी होती, पहले से तैयार होते हैं। हमें देखना है कि क्या हम जिस खेल पे अगर ये महामारी बढ़ती है उस खेल के लिए तैयार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका हम मतलब क्या निकालें कि लॉकडाउन एक्सटेंशन होगा, कितनी देर तक होगा? व्हाट इज द सॉल्यूशन आउट ऑफ दिस करंट सिचुएशन? देखिए, ऐसा है कि दुख की बात यह है कि हमको लॉकडाउन करना पड़ा क्योंकि उस वक्त और कोई चारा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन क्या हम इससे बच सकते थे? मेरा अंदाज़ा है कि बच सकते थे। क्यों क्यों मैं सोच रहा हूँ ऐसे? बीमारी हिंदुस्तान में थी क्या? नहीं थी। कोरोना वायरस हिंदुस्तान में कहीं था? नहीं था। बाहर से आया है। बाहर से कैसे आया है? क्या रेल से आई है? नहीं। क्या बस से आई है? नहीं। हवाई से आई है, लोगों के ट्रैवल हिस्ट्री से आई है और बाहर के मुल्कों से आई। तो काफ़ी सरल बात थी कि बाहर से जो आ रहा है उसको स्क्रीन करके, उसको अलग करके, उसको क्वारंटाइन करके अलग रख दिया जाए, बाकी लोगों से मिलने ही ना दिए जाए। क्रिटिकल पॉइंट होता है हर चीज़ का, एक क्रिटिकल पॉइंट होता है। अगर एक क्रिटिकल पॉइंट पार कर जाए फिर आपकी जो प्रिवेंटिव स्टेप्स जो हैं, बचाव के तरीके जो हैं, पूरी तरह से काम नहीं करते। तो इसलिए अगर हम उस वक्त जब जनवरी में इसके केस आए थे, जब जनवरी 30 को यहाँ पे केसेस का कुछ खबर आई थी कि चीन से कुछ स्टूडेंट्स आए थे, केरल में आए थे और वहाँ पे हम देखते और कुछ स्टेप्स लेते कि जो भी बाहर से आ रहा है उनको क्वारंटाइन करके, जो भी बाहर से आ रहा है उसको बाकी लोगों के साथ मिलने नहीं दिया जाएगा, हमें सारे लोगों को इतनी असुविधा की झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बचाव हो सकता था। एंड क्या है? आपने सवाल करा कि इसका क्या एंड क्या है। एंड क्या ही प्रॉब्लम है किसी भी लॉकडाउन, किसी भी बीमारी के लिए सबसे मुश्किल ये चीज़ है कि उसको कब हम हटाएं। क्या लोगों को हमेशा हम डिस्टेंसिंग, मैं सोशल डिस्टेंसिंग शब्द से सहमत नहीं हूँ, शारीरिक दूरी से अलग अलग हमेशा के लिए रख सकते हैं? नहीं। तो ना आपके पास दवा है, ना आपके पास वैक्सीन है और ना ही वायरस जाने वाला है और ना ही आदमी की दूरी बनाए रख सकते हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं? हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक वैक्सीन नहीं बनता। वैक्सीन जल्दी नहीं बन सकता, वैक्सीन कम से कम 1-1.5 साल से पहले नहीं बन सका। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, 1.5 साल तो लगने ही लगने कम से कम। तो वैक्सीन में समय है, फिर हम क्या करेंगे? कभी तो हमें लॉकडाउन खोलना ही पड़ेगा। तो अगर खोलेंगे, वायरस है कहीं ना कहीं फिर आएगा, तो ये बढ़ता उतरता रहेगा। बीच बीच में हम लॉकडाउन करेंगे समय रहते, फिर खुल जाएगा, फिर लॉकडाउन करेंगे खुलेगा, ऐसे रहने की जितना मेरा अनुमान है पूरी संभावना है।